hello students welcome to shweta yadav tutorials please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates in the last video we have discussed about the postulates given by mendel and these postulates are known as two laws the law of dominance and the law of Segregation. What is law of dominance? The law of dominance states that when in heterozygous condition, the alleles or the genes are different. The allele or the gene which is able to express itself in the heterozygous condition is dominant allele and which is not able to express itself in the presence of dominant is known as recessive. <speaking> दोनों एक साथ प्रेजेंट होती है बट डिग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन तो जब वो साथ रहती है उसके बाद भी वो अपनी प्योरिटी को मेनटेन करती है और यह सिद्ध हो जाता है ये वो बता देती हैं जब वो गैमीट बनाती हैं और अपनी प्योरिटी को वो मेंटेन करती है सो द एलीज विच रिमेन व्हिच रिमेन टुगेदर दे गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास ट्वेल्थ दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सो द क्रॉस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस क्रॉस डन टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर दो कैरेक्टरिटेंटर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए चार कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट एट अ टाइम तो दो कैरेक्टर और उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एट ए टाइम स्टडी किया डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू मैंडल परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस टू न्यू द एनी इंटरक्शन अमंग द कैरेक्टर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस जानने के लिए कि क्या कैरेक्टर्स के बीच में कोई नया कॉम्बिनेशन बन सकता है या नहीं मैंडल नेवर परफॉर्म्ड ऑल पॉसिबल ट्वेंटी वन डाई हाइब्रिड क्रॉसेज ऑफ सेवन कैरेक्टर्स तो मैंडल ने कभी भी ऑल पॉसिबल ट्वेंटी वन डाई हाइब्रिड यानी कि जो जितने भी पॉसिबल डाई हाइब्रिड्स बने थे उन सेवन कैरेक्टर्स पे कभी भी काम नहीं किया है मेंडल नेवर परफॉर्म्ड ऑल पॉसिबल ट्वेंटी वन डाई हाइब्रिड ऑल पॉसिबल ट्वेंटी वन डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ सेवन कैरेक्टर और क्रॉसेज ऑफ द सेवन कैरेक्टर्स टू कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी जिस पे मेंडल ने काम किया पहला सीड 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 शेप शेप में हमारे पास दो कॉन्ट्रास्टिंग राउंड एंड रिंकल्ड राउंड एंड रिंकल्ड एंड सीड कलर सीड कलर के भी दो कॉन्ट्रास्टिंग हमारे पास येलो एंड येलो एंड ग्रीन तो हमारे पास दो तो कैरेक्टर हैं और इन दो कैरेक्टर के फोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं तो मैंडल ने इस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया दो कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को डाई डायहाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले पेरे पेरेंट सेलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि सारे प्रोसेस सेम है सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट तो प्योर पेरेंट का सेलेक्शन किया गया राउंड येलो तो यहां पे शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ द सीड डोमिनेंट को एक तरफ रखा रेसेसिव को एक तरफ रखा तो यहां पे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर येलो को कैपिटल वाई कैपिटल वाई से इसके रेसेसिव फॉर्म स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई इससे गैमिट बनेंगे इससे बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर या कैपिटल वाई कैपिटल वाई से गैमिट बनेगा कैपिटल आर और वाई रिंकल से बनेगा स्मॉल आर और वाई और इनको क्रॉस करके बनाई जाएगी एफ एन जनरेशन और इसमें आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये बन गई पहली जनरेशन इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन एफ जेनरेशन तो थोड़ा सा इसको दोबारा से समझ लेते हैं एक्टली exactly क्या हो रहा है यहां पे लिया गया कैपिटल 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 क्लियर? अब यहां पे एक भी हिट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं है तो इसके गैमिट कैसे बनेंगे इससे जो गैमिट बनेगा तो आर बनेगा इससे जो गैमिट बनेगा वो वाई बनेगा क्लियर है

कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि यहाँ पे सिक्सटीन आउटकम्स आएंगे सिक्सटीन जयगर्स या जाइगोटिक कंडीशन बनेगी कैसे बनेगी वो मैं समझा देती हूँ तो सबसे पहले गैमीट्स बनाना समझ लें कि एफ एन जनरेशन में हमें जो गैमीट्स बनेंगे वो हमें कैसे समझ में आएगा कैसे बनेंगे अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं गैमिट तो यहाँ पे हमारे पास चार जो गैमिट्स हैं वो हमें कैसे मिलेंगे आर वाई तो यहाँ पे चारों से आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई यहाँ से हमें चार गैमिट्स कैसे मिले वो समझ लो इनको हम अलग कर देंगे आर आर वाई वाई को हम अलग कर देंगे इस आर को इसके साथ क्रॉस कराएंगे आर वाई इसी इसी को 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 के साथ वाई, इसी आर को, सेकंड आर को साथ क्रॉस कराएंगे इसके और फिर सेकेंड वाई के साथ कितने गैमेट बने चार चारों सेम है इसलिए हमने यहाँ पे एक ही लिख लिया है ऐसे ही स्मॉल आर और वाई से बनेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई क्लियर है ये हमने रिप्रेजेंट किया मेल जनरेशन ये हमने रिप्रेजेंट की फीमेल जनरेशन मेल जनरेशन हॉरिजॉन्टल फीमेल जनरेशन वर्टिकल जब एक को चारों से क्रॉस कराएंगे दूसरे को चारों से तीसरे को चारों से चौथे को चारों से तो सारे कॉम्बिनेशन आएंगे कैपिटल आर कैपिट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई

कि एक ही जैसे है कॉम्बिनेशन तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा एफ टू जनरेशन में कंडीशन अलग होंगी अब हम क्या करेंगे एफ एन को एफ एन जनरेशन से क्रॉस कराएंगे कैपिटल करेंगे स्मॉल कैपिटल वाई क्लियर यहाँ तक की जनरेशन हमें क्लियर हो गई नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ तक आगे एफ एन जनरेशन में हमें मिल गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो यहाँ पे ये दोनों डोमिनेंट हैं ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट होने से कौन सा एक्सप्रेस करेगा राउंड और येलो ये राउंड और ये येलो एक्सप्रेस करेगा तो टोटल सारे कैसे होंगे राउंड येलो बट हाइब्रिड राउंड येलो होंगे क्लियर है अब हम बनाएंगे F2 टू जनरेशन इनको F1 को क्रॉस करा के जब हम F2 टू जनरेशन की बात करते हैं तो F2 टू जनरेशन में हमें यहाँ पे कुछ नए आउटकम्स मिलते हैं उनको समझ लेते हैं कैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है हमने करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल Y स्मॉल वाई को क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल Y स्मॉल वाई क्लियर है अब गैमिट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे एक को उठा लेते हैं तो दोनों से इस मेल और फीमेल इनको मान लेते हैं मेल से जो गैमिट बनेंगे वही फीमेल से बनेंगे क्लियर है तो हमने आर आर वाई वाई को अलग कर दिया इन चारों को अलग कर दिया इन चारों को जब हमने अलग कर दिया तो अलग करके गैमिट कैसे बनाएंगे तो यहां पे इसको और इसको कैसे क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई क्लियर तो ये बन गया मेल पेरेंट के गैमिट और फीमेल से भी सेम गैमिट बनेंगे तो अगर हम इसमें देखें कि टाइप ऑफ गैमिट कैसे निकाला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो इसमें एक हिट्रोजाइगस इसमें दूसरा हिट्रोजाइगस तो कितने हिट्रोजाइगस हैं दो सो वट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गैमिट टू टू द दू टू क्लियर है टोटल गैमिट कितने बने एक पेरेंट से चार तो दूसरे पेरेंट से भी सिमिलर गैमिट बनेंगे चार चेकर बोर्ड में रख लेते हैं चेकर बोर्ड में रखने के लिए हमें यहाँ पे पुनेट स्क्वायर या हम ये कह सकते हैं पूरा एक पूरा क्रॉस बनाना पड़ेगा तो मैं पूरा एक बार समझा देती हूं तो इजीली समझ में आएगा राइट right. चलिए ये हमने यहाँ पे गैमिट्स के लिए और जायगट्स कंडीशन के लिए 25 डब्बे बना लिए क्योंकि 16 आउटकम्स आने वाले हैं 16 जाइगॉट बनने वाले हैं डाय हाइब्रिड क्रॉस में यहां पे हमने बोला है ये मेल और यहां पे हमने बोला है वर्टिकल में फीमेल हॉरिजॉन्टल में मेल क्लियर है चलिए जी कैमिट्स रख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई रख लिया यहाँ पे फीमेल में भी सेम गैमिट कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई क्लियर है अब हमने क्या करना है अब हमने इनको क्रॉस कराना है इससे इन चारों को क्रॉस दूसरे वाले से चारों को क्रॉस तीसरे वाले से चारों को क्रॉस चौथे वाले से चारों को क्रॉस कराना है तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हम देखते हैं जब हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई सेम इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई हमने गैमिट्स लिख लिए अब हमने इन गैमिट्स का कॉम्बिनेशन बनाया तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस तरीके से सबको क्या कर लिया क्रॉस कर लिया और हमारे पास फोर 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 सिक्सटीन आउटकम्स आए और ये 16 के 16 के आउटकम्स जो हैं, इनसे हमने दो टाइप के रेशो निकाले हमने निकाला फिनोटिपिक रेशो, हमने निकाला जीनोटिपिक रेशो तो F2 टू जनरेशन में पहले हम बात करेंगे फिनोटिपिक रेशो की। क्लियर है इसकी बात करेंगे फिनोटिपिक रेशो की फिनोटिपिक रेशो के लिए ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती कैसे नहीं पड़ती हमें केवल गैमिट्स का पता होना चाहिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई राइट कैसे पता करेंगे कौन कैसा निकला तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे कि ये क्या है राउंड येलो राउंड येलो ये क्या है राउंड ग्रीन This one is wrinkled, wrinkled, yellow. And this one is wrinkled, green. क्लियर है ये हमें चार कॉम्बिनेशन पता होना होने चिपिनोटिपिकली तब देखेंगे कि ऐसे कॉम्बिनेशन देखने हैं हमें जिनमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ रहा है तो ऐसे कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये नाइन जो कॉम्बिनेशन है ये है राउंड एंड येलो के किसके हैं राउंड एंड येलो के क्लियर नेक्स्ट हमें निकालना है राउंड एंड ग्रीन जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई आ रहा हो जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई आ रहा हो राउंड एंड ग्रीन कितने कॉम्बिनेशन है थ्री क्लियर फिर हमें ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ रहा कैपिटल वाई आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई थ्री कॉम्बिनेशन एंड द लास्ट वन इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई वन तो जाइगस कंडीशन कितने हैं सिक्सटीन जाइगस कंडीशन है फॉर्मूला से भी कर सकते हैं जाइगस का निकालने का फॉर्मूला क्या है फोर टू एन

तो 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 यहाँ पे और यहाँ पे हमने गैमिट्स रख दिए हैं ये मेल के थ्रू बनाए गए गैमिट्स हैं ये फीमेल के थ्रू बनाए गए गैमिट्स हैं इनसे जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारे पास सिक्सटीन जायॉट कंडीशन आएगी ये 16 condition है अब इसमें जीनोटिपिक रेशो कैसे निकालेंगे जीन्स के आधार कैसे निकालेंगे तो सिंपल है सिंपल कैसे है एक-एक को यहीं से उठा लो और उसको लिख दो उसका रेशो कैसे बनेगा जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई एक ही है वन Clear? ये क्रॉस हो गया फिर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये दो हैं ये और ये इसको हम ब्लैक से क्रॉस कर देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी ये और ये कितने हो गए टू क्लियर

क्लियर है इसको हम फिर से काट देते हैं ब्लैक से जिससे जो काउंटेड हैं वो हमारे गलत ना हो ये हमारे काउंटेड हैं ये गलत नहीं होंगे क्लियर अब बारी आती है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो ये हैं चार ये चार हैं येलो से ही लिखे हैं तो इनको हम ब्लैक से फिर से काट देते हैं क्लियर ये भी चले गए अब बारी आती है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिट कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई की इसको काट देते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई वन कॉम्बिनेशन काट दिया हमने ये भी गया अब हम बात करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई की ये भी कट गया इसको भी हम वहां लिख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल क्लियर और कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई राइट कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई तो कितने हैं ये दो ये भी गए फिर आता है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल और स्मॉल और कैपिटल वाई कैपिटल वाई वन ये गया स्मॉल स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई टू ये दोनों भी गए और लास्ट वन स्मॉल 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 वाई स्मॉल वाई दैट इज वन तो टोटल तो हमारे पास कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीनोटिपिक रेशियो में हमारे पास नौ अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे तो रेशियो क्या होगा क्लियर है? हम किसी भी तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं डायरेक्टली हम इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस में एफ टू जनरेशन को लेके एक एक कॉम्बिनेशन से बाकी कॉम्बिनेशन को कंपेयर करके निकाल सकते हैं तो यहां पे हमने क्या देखा ध्यान से समझ लें हमने देखा कि फिनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो डाईहाइब्रिड क्रॉस में नाइन टू थ्री इज थ्री इज वन है क्लियर है नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री टू वन है क्लियर जीनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो जो अपने हम भी पढ़ा नौ कॉम्बिनेशन के साथ वन इज टू टू इज टू वन हमें बोल सकते हैं वन इज टू टू इज टू वन इज टू इज टू फोर इज टू टू इज वन इज टू इज टू वन ये कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा क्लियर फिर हम बोलेंगे कि भाई फीनो टाइप कितने हैं जीनो टाइप कितने हैं और कितने बने हैं इसका फॉर्मूला भी है फिनोटाइप का फॉर्मूला टू इज दिनो टाइप का थ्री पार एन एंड जयग का फोर इज टू दार एन वट इज एन नंबर ऑफ हिटरोस तो नंबर ऑफ हिटरोस हम काउंट करेंगे यहाँ पे किससे हम काउंट करेंगे जो एफ एन जनरेशन में हमने पेरेंट लिया है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो यहाँ पे हिट्रोजाइगस कितने हैं दो दो पैर हैं हिट्रोजाइगस के तो यहाँ पे हम बोलेंगे टू टू दार्ट टू थ्री टू दार्ट टू फोर टू दार्ट टू तो हमने क्या देखा कि फिनोटाइप में हमें क्या मिलेंगे फोर टाइप के फिनोटाइप वन टू थ्री फोर राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन ये चार टाइप के फिनोटाइप आए मैंडल ने राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन पेरेंटल कॉम्बिनेशन में लिया था पेरेंट में लिया था बट उन्हें नया कॉम्बिनेशन मिला राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो क्लियर है जीनोटाइप थ्री टू पार्ट टू that is 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 or zygote 4 is to the power 2 that is 16 in both f1 and in f2 generation f1 generation may the same they capital r small r capital y small y but f2 generation may phenotypically or genotypically alagala combination melee so this is all about the dihybrid Cross, right it is very important and easy to